अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल से ही अंदाज़ा हो गया है कि आज मैं अपने महके में आई भी हूँ। ये मेरे वालिद बुज़ुर्गवार हैं जो कि अब हमारे दरमियान में नहीं है। आप से यही इल्तिमास है कि मेरे वालदा और वालिद के लिए मगफ़रत के लिए दुआ कीजिएगा। अपने महके आई हूँ और आते ही उदास हो जाती हूँ कि सामने जब अम्मी पापा की तस्वीर देखती हूँ तो बस दिल में कुछ होने लगता है। मैं तो पापा के कमरे में अब जाती भी नहीं हूँ। यहाँ पापा के घर मौजूद हूँ और यहाँ पर हो रही है जी आज हमारी पायों की दावत। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ ये आपको नज़र आ रहे हैं मुर्गा मुर्गी, जो कि मेरे भाई और भतीजों का शौक़ है। पहले तो मेरे भतीजों ने एनेक्सी में पूरे बहुत यूनिक परिंदे पाले हुए थे, जिनमें ग्रे पैरट था, सुरखाब था, शाहीन था, बहुत सारी चीज़ें थे जो वो बेचते थे, सेल करते थे। लेकिन फिर वो सब ख़त्म करके इन लोगों ने अब सिर्फ ये ऑस्ट्रेलियन तोते और मुर्गा मुर्गी पाले हुए, उनके बच्चे जो कि कहते हैं कि बहुत अच्छी नस्ल के। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन इन मुर्गा मुर्गी के नखरे बहुत है भाई। फ्रेश चीज़ें चाहिए, पराठे चाहिए, उनको पानी में भीग के भिगो तब ये खाते हैं और बड़ा इनका ख्याल रखा जाता है। ये मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे सबसे ये भी होता है कि भाई इसको आप खालिद भाई ख़त्म करते हैं, लेकिन ये इनका शौक़ है और ये इनको संभालते हैं। तो बस दुआ करते रहा कीजिए कि अल्लाह पाक सब के मैकों को सलामत रखे, भाइयों को अल्लाह पाक लंबी उम्र दे, भाभियों को अल्लाह पाक सेहतमंद तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी के साथ साथ लंबी उम्र भी अता करे और ये मोहब्बतें ये रिश्ते इसी तरह कायम और दायम रहे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। कुछ पता नहीं चलता कि कब बुलावा आ जाए और कब कौन चल दे। तो कदर कीजिए अपने इन प्यारे रिश्तों की, भले कम कम मिले लेकिन मोहब्बतों को कायम रखें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का ख्याल करें और एक दूसरे की ज़रूरतों का और मोहब्बतों का ख्याल करें। ये मेरे वालिद का घर है जहाँ मेरे दोनों भाई रहते हैं और यहाँ ये देखें ये शरीफे लगे हुए हैं। शरीफों के साथ साथ चीकू है और लीमू है जो कि अभी नहीं थे, अमरूद है, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। जाती हूँ बड़ा दिल खुश होता है। तो आइए पाए कैसे बनते हैं ये बताते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट सा तरीका है मेरी भाभी का, लेकिन बहुत लजीज पाए बनते हैं। ये पूरी रात के गले हुए पाए हैं, आइए इनकी रेसिपी बताएं। ऑयल भगोने में डल चुका है। बड़ी भाभी माँ जो है उसका पाए बना रही है। ये पाए पूरी रात गले हैं बड़े के, ये चार बड़े के पाए थे और अब ये बन रहे हैं। और ये जो खटर पटर आप लोगों को नज़र आ रही है, ये मेरी बहू हैं दोनों जो खट 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 कर रही हैं। ये ऑयल डल रहा है, ठीक है ना भैया? सही, ऑयल में तो खुद इतना ऑयल होता है, पाए में तो खुद इतना ऑयल होता है। इधर आ जाओ। ये पूरी रात पाए गले हैं। ये गलाते हुए क्या क्या डाला था इसमें अभी बेटा? हम लोगों ने जी जी बेटा हमने इसमें लहसुन अदरक हल्दी नमक ऑयल डाल के चढ़ा दिया। ऑयल भी डाला था जी? थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा ऑयल, लहसुन अदरक नमक और हल्दी भी। जी जी हल्दी, सही। ये पूरी रात पाए गले हैं, आपको शक्ल से ही नज़र आ रहे होंगे कि कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला इनकी बुनाई होगी। अब इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है, तकरीबन 8 चम्मच के करीब लहसुन अदरक है। और जो यखनी और प्याज थी वो अब इसमें डाल रहे हैं। इस यखनी से सारी गोश्त और हड्डियों को अलग कर लिया है। अब ये पकेगा सालन, ठीक। मैंने सिर्फ हड्डियों को वो मतलब गोश्त को अलग किया और ये देखें चिपक इनकी। ये पाए की मज़ेदारी यही होती है कि आपकी उंगलियां चिपकने लगें तो समझें कि आप एक अच्छे और बेहतरीन पाए आपने बना लिए हैं। ठीक, ये मैं अपने हैंड वॉश करी हूँ।
ये आधा किलो दही है, इसको बीट करेंगे और इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च, अच्छा ये हम तो अपने हिसाब से डाल रहे हैं। नहीं नहीं हम 8 चम्मच डालेंगे। 8 चम्मच डाल रहे हैं क्योंकि पाए ज़्यादा है, लेकिन अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, और अगर कम खाते हैं तो कम कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि ये मसाले ऐसे होते हैं कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही इनको कम ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग कम मिर्चें खाना पसंद करते हैं, कोई ज़्यादा करता है। इसमें भी थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल रहे हैं जायका बरकरार रखने के लिए। और ये देखिए जी, ठीक है, इसमें भी एक जायफल चरत्री और ये हरी इलायची, इसको आप कूटते हैं। मुझे 20 से 25 हरी इलायची जायफल चरत्री जो मैं और ये मसाला डाल रहे हैं। मसाला जो हमने लाल मिर्च लहसुन डाल के दही में वो मैरिनेट पूरी ग्रेवी में डाल रहे हैं और ये इसमें पकेगा दही के साथ। ये डालेंगे इसमें, ये अब हमने इसमें सफ़ेद जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इसमें ये दालचीनी की गंडी भी डाल रहे हैं। अच्छा ये मिर्च कम लग रही है और थोड़ा सा इजाफा कर दिया, और ये धनिया कर लेगा। सावा धनिया ऊपर से डालती हूँ इसलिए कलर काला ना। सही, सावा धनिया लास्ट में ऊपर से डालेंगे ताकि खाने का कलर खराब ना हो और खुशबू भी बहुत अच्छी आए। इसमें अब दरजाए नमक चखने के बाद, क्योंकि यखनी में भी था, बाद में आप और भी चख सकते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। ये हमने जो है मसाला फिर मशीन में बारीक ग्राइंड कर लिया, क्योंकि उसका मोटा मोटा हमने कूटा था। और ये एक टिप देती चलूँ, अगर आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ज़िंदगी बढ़ानी है तो थोड़ा कूट के उसको धड़धड़ा करके फिर ग्राइंड करें तो बहुत अच्छा ग्राइंड होता है, मशीन की लाइफ भी बढ़ती है। ये ग्रेवी पक रही है, आयों का हरा मसाला है जो कट हो रहा है, और ये देखिए अदरक तो स्लाइस हो रहा है। आय का तो अगर आप एहतमाम से खाएंगे तभी मज़ा है, वरना नहीं है। अच्छा इस कटर पर बहुत एहतियात से कट किया कीजिए, हमेशा हम यही कहते हैं सबसे। देखो स्लाइस बारीक बारीक, हाँ ये भी हो सकता है। नहीं बन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें बनेंगे आप पाए। ताकत नहीं आ रही है इनमें डालने की, थोड़ा चुटकू आप डाल सकते हो डाल दो। क्योंकि पाए एक ऐसी फुल लोडेड डिश है कि इसमें जब तक बहुत अच्छा रोगन ना हो, बहुत अच्छी बुनाई ना हो, बहुत अच्छा टेस्ट ना हो, जब तक मज़ा नहीं आता। हैवी डिश है, लोडेड। अब एहतियात से इसमें चम्मच चलाएं क्योंकि पाए गले हुए हैं कि कहीं टूट ना जाए। ये जो हमने मसाला पूरा पीसा था, जायफल जावित्री इलायची दालचीनी और जीरा का वो डाल देंगे, साथ ही हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है और इसको अब हम पकाएंगे। ठीक, और पकाएंगे इतना कि इसमें जोश आए और
और ये थोड़ा पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो, और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया जो कि इस वक्त तकरीबन 8 चम्मच के करीब डलेगा। चलिए ये हमने डाल दिया और इसको मिक्स करें। अब जो इसकी खुशबू आ रही है ना, वाह, धनिया डलते ही ज़बरदस्त देखिए स्पाइसी होती है। मलीर की तकैया मिर्च जो कि इंतहाई तेज होती है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है 3 से 4 काट के, और ये डल रहा है इसमें गरम मसाला। अब इसको रख दिया जाएगा दम पे और पाए हो जाएंगे रेडी इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में। सही गरम गरम नान हो, मसाले हो, लेमन हो और फिर पाए हो तो फिर क्या ही बात है, वाह मज़ा आ गया। इसमें थोड़ी सी अदरक भी डालेंगे, ये मेरे शहजादे लेटे हुए देख रहे हैं मूवियाँ यानी मूवीज, और आज छुट्टी मनाई जा रही है। हेलो रजा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, क्या हो रहा है? मैं मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। मतलब ये संडे एंजॉय हो रहा है? संडे को आप फंडे बना रहे हैं? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, संडे को भी मेरी क्लासेस होती हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? किस चीज की क्लासेस है? मतलब सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट तब पढ़ाई हो रही है, कहाँ चल रही है ये मूवी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। फंडे बना रहे? रिलैक्स, नसीब से मिलता है संडे। हाँ, नसीब से मिलता है, सही बात है, खुश रहे। उसामा है ये भाई, छोटू छोटू, ये मेरे बड़े भतीजे का रूम है जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। जो इस वक्त नाश्ता कर रही है, इस वक्त नाश्ता कर रही हो? जल्दी से बताओ, नाश्ता हो रहा है? ब्रेकफास्ट क्या खा रही हैं आप? क्या खा रही हैं? हाई कर दे, हाई कर दीजिए, हाई कर दीजिए। ये जिया भाई है, अस्सलाम वालेकुम जिया भाई, कैसे हैं आप? फंडे बना रहे हैं आज संडे का आज दिन, ठीक है ना? क्या हो रहा है वैसे, आप फिल्म नहीं देख रहे भाइयों के साथ? क्या करेंगे, फिल्म देख के मोबाइल यूज करते हैं दोपहर में बैठे हुए, मोबाइल पे भाई मसरूफ है जिया इस वक्त जी। और ये जी शाम 5 बजे दस्तखान लग चुका है, क्योंकि संडे को तो आपको पता है कि नाश्ता बहुत देर से होता है, फिर खाना भी बहुत लेट खाया जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त से बड़े के पाए बने थे, यकीन मानिए मुझे तो हैदराबाद आना था तो मैंने तो बस रज के खाए, क्योंकि फिर मुझे पता था कि दूसरे टाइम मुझे नहीं मिलेंगे। तो ये खाकर और फिर नमाज़ पढ़ के हम हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। ये आपको नज़र आ रहा है कराची टोल प्लाज़ा, मगरिब के बाद हम वहाँ से रवाना हुए थे, और घर पहुँचते पहुँचते जो है रात के हमें तकरीबन कोई 10 बज गए थे। और ये हैदराबाद का टोल प्लाज़ा, कहते हैं ना कि मैके जाते तो आप बहुत खुशी खुशी हैं, लेकिन वापसी में आपका दिल बड़ा उदास हो रहा होता है, क्योंकि बहरहाल कुछ भी है मैका तो फिर मैका ही है। मैके का तो कहते हैं ना कि मैके की गली का तो कुत्ते से भी प्यार होता है, और मैका तो फिर मैं कहती हूँ कि बस दिल चाहता है कि आप वहीं रहते रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपका अपना घर भी होता है, तो बस यही सब कुछ है। तो इस तरह जनाब मेरा 3 दिन का कराची का टूर पहला कम्प्लीट हुआ। पहले दिन जो है मैंने अपनी कज़न का दिखाया, दूसरे दिन अपनी दोस्तों के, और तीसरे दिन मैं अपने महके में अपने भाइयों के घर थी। तो अगर आज का आपको मेरा ये व्लॉग और मेरा पूरा कराची का ये टूर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने गिबान।